तो फाइनली यहाँ पे कल की 2898 एडी का सेकेंड ट्रेलर या फिर दूसरा ट्रेलर यहाँ पे यूट्यूब पे कल के दिन देखने को मिलता है और फिल्म को रिलीज होने में केवल 4 से 5 दिनों का ही समय बाकी है। इतने में सेकेंड ट्रेलर की जरूरत नहीं थी फिल्म को हाइप को लेकर। वैसे फिल्म के मेकर्स ने सोचा कि और ज़्यादा हाइप हम बढ़ा सकते हैं फिल्म के सेकेंड ट्रेलर को डालकर, तो यहाँ पे फिल्म के मेकर्स ने दूसरा ट्रेलर यहाँ पे लॉन्च कर दिया। तो बात करेंगे कल्कि के 2898 के सेकेंड ट्रेलर के बारे में, आखिरकार ये सेकेंड ट्रेलर कैसा है, कैसा लगा और क्या ये मच बेटर था ना यहाँ पे फर्स्ट ट्रेलर के कंपेरिजन में। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें ट्रेलर के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेलर को यहाँ पे एक्शन के नजरिए से देखकर लॉन्च किया गया या फिर रिलीज किया गया है, यानी कि जो एक्शन के दीवाने हैं, जो एक्शन ऑडियंस है, जो एक्शन देखना पसंद करती है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए यहां पे कल्कि 2898 का सेकंड ट्रेलर रिलीज किया गया है। और मैं यहां पे हॉनेस्टली कहना चाहता हूं कि सही में काफी सॉलिड, काफी प्रॉमिसिंग यहां पे सेकंड ट्रेलर भी देखने को मिलता है। हालांकि जो फर्स्ट ट्रेलर ने जो इम्प्रेशन क्रिएट किया था, जो इम्प्रेशन बनाया था, उसके कंपैरिजन में यहां पे सेकंड ट्रेलर उतना ज्यादा हैवी नहीं है, बट मटेरियल कंटेंट के मामले में काफ़ी सॉलिड यहाँ पे देखने को मिलता है सेकंड ट्रेलर। और भी ज़्यादा जो VFX वाली चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा पॉलिश देखने को मिलती है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी देखने को मिलती है तो कुछ चीज़ें यहाँ पे डिसअपॉइंट भी करती है। यहाँ पे खास करके फिल्म की जो डबिंग है, वॉइस यहाँ पे हिंदी, उसको काफ़ी लेके मुझे डिसअपॉइंट लगा, क्योंकि इतने बड़े फिल्म का जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतनी छोटी मोटी चीज़ें अगर गलती होती है तो सही में बहुत ज़्यादा एक शिकायत वाली बात है, डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। क्योंकि लास्ट में आपने ट्रेलर के अंदर अगर देखा रहेगा, जो शॉर्ट में बोलते हैं प्रभास की आ जाए यहाँ पे गर्दन हिला के, गर्दन हिलाने के 1 सेकंड बाद उनकी वॉइस यहाँ पे सुनाई पड़ती है, तो इसे देखने में डिसअपॉइंट तो लगता है कि कहीं फिल्म के अंदर कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। बट ये ट्रेलर है, ट्रेलर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन, बहुत सारे कट्स होने के कारण यहाँ पे जो वॉइस है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे कभी कभी हो जाती है, बट इतने बड़े प्रोजेक्ट में तो नहीं होना चाहिए। बाकी पूरे ट्रेलर के अंदर एक बार फिर से यहाँ पे अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है आपको इम्प्रेस करेगा, अमिताभ बच्चन का जो स्क्रीन प्रेजेंट है आपको इम्प्रेस करेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए अगर दोनों ट्रेलर को, तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन को लीड कैरेक्टर के रोल पे तौर पे यहाँ पे ट्रेलर के अंदर दिखाया गया, यानी उनकी जो इम्पोर्टेंस है ना मूवी के लिए वो सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा प्रभास यहाँ पे दूसरे नंबर पे आते हैं, तो प्रभास का जो इसमें सेकंड ट्रेलर में जो एटीट्यूड वगैरह है काफ़ी चेंजेस देखने को मिला है, थोड़े सीरियसनेस यहाँ पे सेकंड ट्रेलर में उनको दिखाया गया है। और उनका जो एक्शन सीक्वेंस है, उड़कर, ड्राइव कर, मतलब दौड़कर, जो भाग दौड़कर यहाँ पे एक्शन डिजाइन किए गए, मतलब सेकंड ट्रेलर में उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया गया, जो कि बहुत ही रियली, बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलता है। तो बाकी इसके अंदर कमल हसन का जो कैरेक्टर है, फर्स्ट टाइम आपको इस ट्रेलर के अंदर उनका फुल शॉट या फिर फ्रंट शॉट देखने को मिलता है, जो कि हॉनेस्टली कहना चाहता हूँ एकदम डेडली और किलर लुक यहाँ पे रिवील होते हुए दिखाई दे रहा है। सही में इम्प्रेस कमल हसन जो है ना, ये कैरेक्टर में ना आपको फिल्म के अंदर इम्प्रेस कर देंगे, थिएटर के अंदर ताली और सीटियाँ बजाने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। एक शॉट में तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कमल हसन का ही कैरेक्टर है, क्योंकि उनके कैरेक्टर को जिस तरह से मॉडिफिकेशन किया गया, जिस तरह के उनको रिवील, जिन तरह का उनका मेकअप डिज़ाइन वगैरह किया गया, सही में बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही। बाकी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि यहाँ पे सेकंड ट्रेलर के अंदर जो VFX वाली सिनेमैटिक चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिश देखने को मिलती है, और ये बात साबित करता है कि फिल्म का जो प्रोडक्शन है अभी भी चल रहा है, अभी भी उस पर काम चालू है, यानी कि वो और भी बेटर द बेटर करते जा रहे हैं दिन पे दिन। तो देखते हैं आने वाले समय में ये फिल्म कैसी निकल के आती है, बहुत ही कम टाइम बाकी है फिल्म को रिलीज होने में। बाकी स्टोरी की अगर बात करें तो जिस तरह से ट्रेलर 1 के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरी रिवील नहीं हुई थी, उसी तरह सेकंड ट्रेलर में भी बहुत ज़्यादा रिवील नहीं हुए, बट इक्का दुक्का जो शॉट्स है जो महाभारत से यहाँ पे डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से अश्वत्थामा का जो कैरेक्टर है, हाथी जिस तरह से मर के जा रही है, जो वो शॉट है बहुत ही ब्रिलियंट है, वहाँ पे जो VFX है और भी ज़्यादा ब्रिलियंट है, और वो सीधा सीधा कनेक्शन है महाभारत से। इसके अलावा जो लेडी यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी महल में खड़ी है और डायरेक्टली एक रोशनी सी उसके पेट में आती है, तो ये इंस्पायर पूरी ट्रूली यहाँ पे इंस्पायरेशन देखने को मिलता है यहाँ पे महाभारत से। तो ये सब चीज़ें तो थोड़ी बहुत महाभारत से रिलेट जरूर कर रही है। बाकी इसके अंदर सभी कैरेक्टर्स ने अपना काम अच्छा किया है, दीपिका पादुकोण का भी कैरेक्टर इसमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला, जो कि इम्प्रेसफुल था। और ट्रेलर के बारे में एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ट्रेलर के अंदर जो गाना, जो वॉइस देखने को मिलता है ना धरती वाला, वो अमिताभ बच्चन ने अपनी वॉइस खुद दी है, जो कि जच रहा है। और उनके कैरेक्टर में जब ये वॉइस, जब ये आवाज़, जो ये गाने सुनाई देंगे ना थिएटर के अंदर, तो सही में टोटली गूज बम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो वॉइस है वो अमिताभ बच्चन में प्रॉपरली सूट करेंगे। तो ये था कल्कि 2898 का ट्रेलर रिव्यू। आपको कैसा लगा
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो।